कई वर्षों से राजनीतिक खींचतान में फंसा नेरचौक मेडिकल कॉलेज ने आखिरकार कार्य करना शुरू कर दिया है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुभारंभ किया। उन्होंने नेरचौक मेडिकल कॉलेज परिसर में ओपीडी व नर्सिंग कॉलेज का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में अनुबंध पर कार्यरत चिकित्सकों की मासिक वेतन में 10,000 की बढ़ोतरी करने की घोषणा की। साथ ही स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की मासिक वेतन में 15,000 की बढ़ोतरी करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री की घोषणा से अनुबंध पर कार्यरत चिकित्सकों को अब 26,500 की जगह 36,500 मासिक वेतन मिलेगा, जबकि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को 40,000 की जगह अब 55,000 प्रति माह वेतन मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने नेरचौक में मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की घोषणा भी की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आने वाले समय में नेरचौक में मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी से प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों को जोड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस यूनिवर्सिटी का नाम अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी रखा जाएगा। इस अवसर पर बल विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्र सिंह गांधी की मांग पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि शीघ्र ही नेरचौक में मिनी सचिवालय की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के कारण नेरचौक प्रदेश का एक मुख्य स्थान बन गया है और यहां आने वाले समय में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास है कि मेडिकल कॉलेज के साथ साथ नेरचौक में हवाई अड्डे की भी स्थापना की जाए, जिसके लिए प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। स्थानों पर जो है वहाँ स्कूल खुले, ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं। और उस दृष्टि से एक बात को लेकर के कि डॉक्टर की ट्रेनिंग होती है 5 साल, क्या 6 साल लगते हैं डॉक्टर को डिग्री हासिल करने के बाद, उसके बाद वो आप लोगों का इलाज, बीमार लोगों का इलाज शुरू करता है। पूरी ट्रेनिंग के बाद अगर वो सेवा के लिए जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के अंतर्गत हमारे हिमाचल प्रदेश में अभी तक उसको मात्र 26,500 रूपये मिलते हैं। मुझे लगता है कि 5.5-6 साल की ट्रेनिंग करने के बाद बहुत कम ये राशि है। तो मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं, जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल पॉलिसी के अंतर्गत जो हिमाचल प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको प्रति माह जो है एक इंसेंटिव के रूप में मैं 10,000 रूपये का और इजाफा प्रति माह करने की घोषणा करता हूं। और उसके साथ साथ में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं उनको जो है 15,000 रूपये प्रति माह जो है वो इंसेंटिव के रूप में अलग से ये देने की भी मैं घोषणा करता हूं। मैं चाहता हूं हमारे दूर दराज के इलाके में भी डॉक्टर हो, डॉक्टर होगा तो इलाज होगा, डॉक्टर होगा तो किसी की जान बचाने में वो सहायक सिद्ध होगा। उस दृष्टि से ये बहुत आवश्यक है। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि ये सब करने की आवश्यकता थी। एक और मैं कहना चाहता हूं, इस अवसर पर भाजपा संगठन मंत्री पवन राणा, सांसद रामस्वरूप शर्मा, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार, विधायक इंद्र सिंह गांधी, राकेश जम्वाल, विनोद कुमार, जोहर ठाकुर, हीरालाल प्रकाश राणा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।